हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं F370M एस्ट्रोमेट्रिक टेलीस्कोप। चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो हम जल्दी से डब्बे को खोल लेते हैं। डब्बे को खोलने के बाद हमको मिला है एक बड़ा बॉक्स, एक छोटा बॉक्स और एक मीडियम बॉक्स। हमको टोटल मिले हैं तीन ठो डब्बे। और हमको इसके साथ मिला है ये इसका मैनुअल है। मैनुअल हम जल्दी से इसका पढ़ लेते हैं और हम इसको लगाते हैं। हमने इसकी मैनुअल को पढ़ ली है। चलिए हम अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए पहले हम छोटे डब्बे को खोलते हैं और इन दोनों को साइड करते हैं। छोटे डब्बे में हमको मिला है ये आप मोबाइल हैंगर है। और अंदर क्या मिला है देखते हैं। ये है हमारा मोबाइल हैंगर। हम इससे फोटो खींच सकते हैं टेलीस्कोप की। चलिए इसको रखते हैं साइड में। और इसके साथ मिला है ये ढक्कन। क्या करना है पता नहीं, इसका बाद में देखेंगे जो करना है। इस डब्बे को रखते हैं साइड में और आते हैं दूसरे डब्बे की ओर। इस डब्बे को भी खोल लेते हैं। वाह गाइस, इसके अंदर तो टेलीस्कोप है, हमारा टेलीस्कोप। इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। और हम जब इसके इस पैडल को घुमाते हैं ना आगे की तरफ, तो ये ऐसे खुल जाता है। चलो इस डब्बे को भी रखते हैं साइड में। और ऐसे ये खुल जाता है और ऐसे ये बंद हो जाता है। चलो इसको रखते हैं साइड में। और हमको मिलता है उसके साथ ये क्या है पता नहीं, लगाएंगे तो पता चल जाएगा। अब हम आते हैं बड़े डब्बे की ओर। हम जल्दी से बड़े डब्बे को खोल लेते हैं। वाह, हमको मिला है ये टेलीस्कोप स्टैंड मिला है दोस्तों। चलो इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं डब्बे के अंदर और क्या क्या है। तो गाइस, इस डब्बे में हमको मिला है ये इसका लेंस है, इसका लेंस। चलो इसको रखते हैं साइड में। और इसके साथ हमको और एक लेंस मिल रहा है। इसमें लिखा है बेलरो लेंस X3X, बेलरो मैक्स 3X। इसको भी रखते हैं साइड में। और हमको मिला है ये टेलीस्कोप का एक पार्ट है, जहाँ से हम यहाँ से देख सकते हैं टेलीस्कोप को। यहाँ से साइड में। और हमको मिला है और एक लेंस। इसमें लिखा है 1.5x एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। और हमको मिला है ये लेंस में लिखा है S20 लेंस। इसको रखते हैं साइड में। हमको इसमें भी दो ढक्कन मिले हैं दोस्तों, दो ढक्कन। और इसके अंदर हमको ये क्या मिला तो पता नहीं, दिखते हैं अंदर। मेरे ख्याल से ये भी एक लेंस होगा। हाँ दोस्तों, ये भी एक लेंस है। इसमें लिखा है H6 6mm। तो इसको रखते हैं डब्बे के अंदर, बाद में मैं आपको सब दिखाऊंगा जॉइंट करके। फिर इसके अंदर देखते हैं। अरे दोस्तों, इसके अंदर तो ढक्कन ही ढक्कन है, इतने सारे ढक्कन है इसके अंदर। लगता है कि कोई ढक्कन टूट जाए तो उसके लिए होगा। चलो डब्बा तो खत्म, खाली हो गया। तो अभी हम लगाते हैं इसको, टेलीस्कोप को लगाते हैं। ये है हमारा टेलीस्कोप स्टैंड। मैंने मैनुअल पढ़ा था इसलिए मुझे आता है कैसे करना है। और हम लाते हैं हमारे टेलीस्कोप को। ये नट टेलीस्कोप के यहाँ लगेगा। और ये है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छेद है, वो छेद में इसको घुसाना है हमको। तो देर नहीं करते हैं और हम जल्दी से इसको घुसा लेते हैं। टेलीस्कोप को लाए, ऐसे रखे, इसमें घुसाए। ये अच्छे से क्यों नहीं घुस रहे दोस्तों? ओह, इसमें ऐसा है, लॉक करने का सिस्टम है इसमें। जल्दी से हम इसको खोल लेते हैं और आपको दिखते हैं। तो दोस्तों, हमने इसको खोल लिया है। चलिए अभी हम इसमें फिट करेंगे इसको। ये लग गया,
अभी हम इसको टाइट कर देंगे। मैंने यहाँ से टाइट किया, यहाँ एक स्क्रू है और इसके नीचे यहाँ पर भी एक स्क्रू है। देखिए इसको हमको घुमाना है ऊपर की तरफ, तब ये लग जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसको भी लगा लिया है, अभी चलो हम इसको देखते हैं। ये इसका अच्छा क्वालिटी है दोस्तों, और मैं समझ गया। और इसको ना ये हमको मिला था, हमको उसको यहाँ घुसाना है, यहाँ हमको उसको यहाँ घुसाना है ये स्क्रू में। चलो जल्दी से घुसा लेते हैं। ये बहुत टाइट है दोस्तों, और ये बहुत टाइट है, और आप इसको बहुत टाइट लगाना वरना ये अच्छा नहीं चलेगा। पूरा लगाना है इसको आपको, ये टाइट होता है दोस्तों। इसको आप जितना घुसाओगे ये उतना टाइट होगा। ये अभी रह रहा है ना ऊपर, तब इसको नहीं लगाए थे तो ये ढीला था। और यहाँ पे ना ये एक होल है, इस होल में हमको लगाना है ये सबको। रुके दोस्तों थोड़ी देर। हाँ दोस्तों हमको ये मिला था ना, ये x 1.5x उसका, तो हमको इसको यहाँ लगाना है। यहाँ एक स्क्रू है, इसको हमको ढीला करना पड़ेगा। स्क्रू को हमने ढीला कर लिया, इसके बाद हमको इसको यहाँ घुसाना है। यहाँ घुसा लिए, फिर हमको इसको टाइट करना है, हो गया। फिर यहाँ पर ये हमको मिला था ना, ये हमारे देखने का लेंस, इस लेंस को हमको यहाँ पे लगाना है। इसको ढीला कर लिए, इसका भी ये स्क्रू ढीला कर रहे हैं, कर लिया ढीला। और उसके बाद इसको यहाँ पे लगाना है ऐसे। हमने इसको कर लिया, अभी हम इसको टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद दोस्तों मैं तो आपको एक चीज़ दिखाना ही भूल गया, ये है मून लेंस। इस लेंस से हम मून को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा लेंस है दोस्तों, हम इससे मून को पूरा पास से देख सकते हैं, इसमें कितने गड्ढे हैं वो सब। चलो रखते हैं इसको साइड में, और हमको इस डब्बे में जो मिला था ना उसको हमको यहाँ पर लगाना है। इसको हमने ढीला कर लिया है, ढीला करने के बाद ये ऐसे ला कर हमको इसमें भर देना है, और इसको हमको टाइट कर लेना है। दोस्तों हमारा टेलीस्कोप अभी रेडी हो गया है। दोस्तों देखिए हमारा टेलीस्कोप कितना अच्छा दिख रहा है। अभी हम जब इसको घुमाएंगे ना, ये ऊपर नीचे वैसे होगा। तो अभी तो मैं आपको इसका नज़ारा दिखा नहीं सकता, क्योंकि अभी अभी मतलब बादल छाए हैं, इसीलिए मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। और मैंने इसको ख़रीदा है अमेज़ॉन से इसको मैंने ख़रीदा है, और इसका प्राइस लिंक है 4449 रुपीज़। और आप भी जाके इसको ज़रूर ख़रीदना अमेज़ॉन से, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों। पर आप इसको धूप को मत देखना, सूरज को मत देखना, वरना आपके ख़राब भी हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम अगली वीडियो में इतनी अच्छी चीज़ लाएंगे ना, आप खुश हो जाओगे देख।